शेर कमाल बलियावी का ही, क्योंकि बहुत ही मौजूद शेर है कि जब सिवा अल्लाह औरों को पुकारा जाएगा, जब सिवा अल्लाह औरों को पुकारा जाएगा, कश्तियाँ डूबेगी हाथों से किनारा जाएगा, और वो लोग हैं तोड़ने में तुझको लेकिन ऐ वतन, ऐ लोग हैं तोड़ने में तुझको लेकिन ऐ वतन, तेरी खातिर सबसे पहले सर हमारा जाएगा, तेरी खातिर सबसे पहले सर हमारा जाएगा। जनाब कमाल बलियावी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अनहत, बगैर किसी तमीज के यहाँ से शुरू करता हूँ। अल्लाह तआला फरमाए कि हमारा नक्श कदम जिस जमीन से मिलता है। उभरान भाई जी, अब तक आपने बहुत शायरी सुनी, मेरी भी सुन लीजिए, शायद पसंद आए। हमारा नक्श कदम जिस जमीन से मिलता है, पयाम अमन का सबको वहीं से मिलता है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नक्श कदम जिस जमीन से मिलता है, पयाम अमन का खूब मतलब का हमारा नक्श कदम जिस जमीन से मिलता है, पयाम अमन का सबको वहीं से मिलता है। जो लोग आज हमें बेवफा समझते हैं, जो लोग आज हमें बेवफा समझते हैं, सबक वफा का उन्हें भी हम ही से मिलता है, सबक वफा का उन्हें भी हम ही से मिलता है। और फकत इसीलिए आता है प्यार भी उस पर, शेर मुलादा फरमाएं, फकत इसीलिए आता है प्यार भी उस पर कि उसके हाँ का इशारा नहीं से मिलता है, कि उसके हाँ का इशारा नहीं से मिलता है। और दो शेर मौलाना फरमाए कि अहले हक वो थे जो ये करके दिखा देते थे, अहले हक वो थे जो ये करके दिखा देते थे, रास्ता बीच समुन्दर में बना देते थे। क्या बात, अहले हक वो थे जो ये करके दिखा देते थे, रास्ता बीच समुन्दर में बना देते थे। तो आंख जो हमको दिखाते हैं उन्हें याद रहे, आंख जो हमको दिखाते हैं उन्हें याद रहे, हम वही हैं जो सफीनों को जला देते थे, हम वही हैं जो सफीनों को जला देते हैं। शुक्रिया साहब, शुक्रिया नाथ मेहरबानी। आंख जो हमको दिखाते हैं उन्हें याद रहे, हम वही हैं जो सफीनों को जला देते थे। और एक मत्ता चंद्र मुलादा फरमाएंगे, चाहे जी जान से वो हमको सताने लग जाए, चाहे जी जान से वो हमको सताने लग जाए, हम नहीं वो जो वतन छोड़ के जाने लग जाए, चाहे जी जान से वो हमको सताने लग जाए, हम नहीं वो जो वतन छोड़ के जाने लग जाए। बहुत सच्चा, तो हम ही रखते हैं सदा प्यास पर काबू, वरना हम ही रखते हैं सदा प्यास पर काबू, वरना ऐसे दरिया तो घड़ी भर में ठिकाने लग जाए। बहुत खूब, बहुत ऐसे दरिया तो घड़ी भर में ठिकाने लग जाए। शुक्रिया। हम ही रखते हैं सदा प्यास पर काबू, वरना ऐसे दरिया तो घड़ी भर में ठिकाने लग जाए। और हमको दौराने सफर ये तो गवारा ही नहीं, हमको दौराने सफर ये तो गवारा ही नहीं, जो भटकते थे वही राह दिखाने लग जाए, जो भटकते थे वही राह दिखाने लग जाए। तरन्नुम में दो शेर पढ़ता हूँ, अगर आपने साथ दिया तो एक गजल पढ़ दूंगा। मुलादा फरमाए, हर तरफ सहरा दरख्तों के घने साए कहाँ, हर तरफ सहरा दरख्तों के घने साए कहाँ, हर तरफ सहरा दरख्तों के घने साए कहाँ, चलते चलते तेरी खातिर हम चले आए कहाँ, चलते तेरी खातिर हम चले आए कहाँ। नौजवान दोस्त शेर मुलादा फरमाए कि बेतकल्लुफ गुफ्तगू फिर वसल की शब यूं झिझक, बेतकल्लुफ गुफ्तगू फिर फसल की शब यूं झिझक,
तुमको शर्माना कहा था और शर्माए कहाँ, तुमको शर्माना कहा था और शर्माए कहाँ। और गजल के चंद अशआर सुना दो फरमाओ। जब लहू दे कल चिरागों को जलाया रात में, सुनिएगा कुरान भी जी जी। जब लहू दे कल चिरागों को जलाया रात में, जब लहू दे कल चिरागों को जलाया रात में, तब अंधेरा क्या हवा भी आ गई औकात में, तब अंधेरा क्या हवा भी आ गई औकात में, तुम फकत एक ताज पाकर आज इतराने लगे, तुम फकत एक ताज पाकर आज इतराने लगे, हमने कितने ताज ऐसे दे दिए खैरात में। क्या खूब कहा, क्या खूब कहा। हमने कितने ताज ऐसे दे दिए खैरात में, शुक्रिया। तुम फकत एक ताज पाकर आज इतराने लगे, तुम फकत एक ताज पाकर आज इतराने लगे, हमने कितने ताज ऐसे दे दिए खैरात में, हमने कितने ताज ऐसे दे दिए खैरात में, हुक्मरानों के इशारों पर हुई थी साजिशें। बिल्कुल 100% सच्चा शेर पढ़ो दोस्त, अगर पसंद आए तो नवाजिए। हुक्मरानों के इशारों पर हुई थी साजिशें, हुक्मरानों के इशारों पर हुई थी साजिशें, वरना इतना खून कभी बहता नहीं गुजरात में, वरना इतना खून कभी बहता नहीं गुजरात में। आखिरी शेर मुलाजा फरमा ले कि हम तो जिंदा हैं तुम्हारे जुल्म सह कर भी मगर, हम तो जिंदा हैं तुम्हारे जुल्म सह कर भी मगर, तुम न बच पाओगे जब हम आएंगे जज्बात में, तुम न बच पाओगे। बहुत खूब, बहुत खूब कमाल बलियावी साहब।